खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ये गाना डेडिकेट किया है मिस पायल के लिए। और मैंने ये गाना उनके लिए क्यों डेडिकेट किया है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप लोगों को सही से समझ आएगा कि वो इस गाने को डिजर्व करती है या नहीं करती है। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। यार आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करो। तो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही होंगे आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इज्जत और रेस्पेक्ट के साथ हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो आ रहा है आत्मनिर्भर भारत की तरफ से। इन्होंने मुझे बोला है बंद करो चैनल अपना। जिस हिसाब से इन्होंने बोला है बंद करो चैनल अपना, मुझे लग रहा है कि ये मुझे बोल नहीं रहे हैं बल्कि मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं। जैसे कि मैंने इनसे पूछ के अपना चैनल स्टार्ट किया था और अब मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं चैनल बंद करने के लिए। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपसे ना पूछ के स्टार्ट किया था ना ही आपसे आपके कहने पर बंद करेंगे, है ना। तो कोई फायदा नहीं है पायल जी, जब आपने इनसे पूछ के अपना चैनल शुरू नहीं किया है, ओके ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये बताइए, ये जो केरी मिनाटी है और ये जो आशीष चंचलानी है और जो बाकी सब लोगों को आप डिलीट करने के लिए बोल रही हो, क्या इन सब ने आपसे पूछ के चैनल शुरू किया है क्या, ये जो आपके ऑर्डर से चैनल को बंद कर देंगे? यार दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। दोस्तों, यूट्यूब पे एवरी डे हर दिन लाखों करोड़ों और न जाने कितने कितने लोग यूट्यूब पर आते हैं, अपना चैनल शुरू करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं। बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में, तो उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नाकामयाब हो जाते हैं, तो यूट्यूब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना दोस्तों, अगर आपके चैनल के ऊपर रीच नहीं मिल रही है या आपके व्यू नहीं आ रही है, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो आप किसी को भी उठा लोगे, किसी को भी मुद्दा बना लोगे और किसी के भी बारे में रोस्टिंग करना शुरू कर दोगे, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इनके कारनामे। बीबी की वाइंस, ओहो थोड़ी शर्म करो भाई। आशीष चंचलानी, अपना चैनल बंद कर दो। ओहो केरी मिनाटी, अब बस करो। एक्सपोज्ड, ओहो ध्रुव राठी एक्सपोज्ड, मनोज देव फ्रॉड, फ्लाइंग बिस्ट एक्सपोज्ड, ट्रिगर्ड इंसान, प्लीज स्टॉप। केरी मिनाटी अपना चैनल बंद कर दो भाई, पायल जॉन का ऑर्डर हो गया है। दोस्तों मिलवाते हैं आपको इंटेलिजेंट मिस पायल जॉन से, इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको इनसे। चलिए पूछते हैं इनसे इनके बारे में। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैं हूँ पायल। अरे मिस पायल जी, आप तो वॉशरूम में बंद हो गई थी ना, फिर बाहर कैसे आई आप? लेकिन मैं जैसे ना तैसे करके कुंडी खुलवा के आ। अरे आप उल्लू हो क्या? हाँ उल्लू तो मैं हूँ, वो तो मेरे को खुद भी लगता है कभी कभी। अच्छा आपका कंटेंट कैसा है? टोटल बकवास। चलो गाना सुनाओ। दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम सनम ते। अच्छा पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 2-8 तक मैंने जो है 8 पास कर ली। 2-8 तक मैंने जो है 8 पास कर ली। अरे 8वीं तक तो 8वीं ही पास करोगी ना, दिमाग कहाँ है आपका, क्या घुसा है आपके दिमाग में? तो मेरे मन में दिमाग था, तो मेरे मन में दिमाग था। अरे कहना क्या चाहते हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस पायल ना झूठ भी बोलती है। चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए। ध्रुव राठी की मैं सारी वीडियोस देखती हूँ और मेरे को ये लगता है कि ध्रुव राठी काफी ज्यादा लॉजिकल बातें करते हैं, तो अगर आपने मेरे को ध्रुव राठी की तरह बोला है कि मैं उसकी तरह बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि मैं ध्रुव राठी की तरह बोल रही हूँ। थैंक यू। वेट अ मिनट। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो एक नंबर के फेक है, फ्रॉड है, हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। यहां पे मैं बात कर रही हूं ध्रुव राठी के बारे में। अरे कम से कम एक बात पे तो टिकी रहती मिस पायल जी। अरे अभी तो और देखो, और बहुत बाकी है। चलिए देखो वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने बोला हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत से अब तक बना रही हूँ वीडियो, एक भी वीडियो ने मैं नहीं बोला है कि लाइक कर दो, चाहे कमेंट कर दो या सब्सक्राइब कर दो। तो मीनवाइल कि मेरा चैनल है ग्रो नहीं हो रहा, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सो या सबसे पहली चीज जो मेरे को गलत लगती है प्राजक्ता मैम के बारे में, वो यही है कि यार अगर आपकी किसी सॉन्ग को लेकर या आपकी किसी वीडियो को लेकर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप ऐसा उसके साथ क्यों कर रही हैं कि आप उसके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम दे रही हैं? वेट अ मिनट। या तीन ही चैनल है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मेरी वीडियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताना था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपको भी कहूंगी कि आप सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक दीजिए, अगर आपको अच्छी ये बात नहीं लग रही है तो, है ना। वो मेरी मर्जी है कि मैं किसको स्ट्राइक देना चाहूँ किसको नहीं देना चाहूँ। तो अभी मैंने उसी एक चैनल को स्ट्राइक दिया था।
अच्छा जी, कोई दूसरा कॉपीराइट दे तो वो गलत है, और अगर आप कॉपीराइट देती हो तो वो बिल्कुल सही है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, आप लोगों को शर्म करने के लिए कह रही हो, अपने बारे में तो देखो। तो उनकी जो सीरीज आई थी प्रिटी फिट करके, तो वो जो प्रिटी फिट की सीरीज आई थी ना, उसपे भी इतने ज्यादा कम व्यूज नहीं आते, और प्रिटी फिट पे तो इतने ज्यादा कम व्यूज आए थे उनके कुछ वीडियोस पे कि उनको अपने जो व्यू काउंट थे वो भी हाइड करने पड़ गए थे, कि उनको दिखाना ही नहीं था कि मेरे व्यूज टोटल कितने आए हैं। लाइक डिसलाइक दिख रहे थे लेकिन व्यूज काउंट हाइड किए गए थे, और हाइड इसलिए किए गए थे क्योंकि व्यूज काउंट कम थे। अरे तुम हाइड करने के बारे में बात कर रही हो, पहले अपने आपके बारे में तो देख लो। आपने खुद अपने हद से ज्यादा वीडियो के अंदर लाइक डिसलाइक कमेंट सब कुछ ऑफ करके रखा है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो अच्छे से, कमेंट बॉक्स ऑफ है, लाइक ऑफ है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। पायल जो ने अपने वीडियो में, अपने सारे वीडियो में लाइक, तो आप जो इस तरीके के मैसेजेस मेरे को कर रहे हैं, आप थोड़ा सावधान और सतर्क होकर मुझे मैसेज करिए, और आप अपना समय बर्बाद करना तो पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे को आपके मैसेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आपकी कही हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ किसी से नहीं डर। इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इन्होंने छह छह वीडियो बना दिए कमेंट बॉक्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते कुछ भी, ये इनके दो वीडियो के थंबनेल है, ध्यान से देख लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर एक घंटे में, 500 सब्सक्राइबर एक मिनट में, 500 सब्सक्राइबर एक मिनट में, यानी कि एक घंटे में 30,000 सब्सक्राइबर। अरे कम से कम पहले खुद तो डिसाइड कर लो, आपको एक घंटे में सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं कि एक मिनट में सब्सक्राइबर बढ़ाने। 500, 1000, 30,000, अरे क्या है ये, क्या लोचा चल रहा है, ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं यूट्यूब के? और अगर इस तरीके से सच में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आपने अपने सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ाए भाई? सबसे पहले तो आपको अपने ही बढ़ाने चाहिए थे, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 सब्सक्राइबर लेके बैठ जाती है आप तो। अपना चैनल बेच रही हूँ 5,000 रुपये, मेरा चैनल खरीद लो 500 रुपये में, आई एम गोइंग टू डिलीट माई चैनल, मेरे पापा ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। यार ये क्या बकवास है बे, इंग्लिश में बंद कर समझा साले, तू दूंगा एक डमरू की तरह घूमता फिरेगा। हिंदी भी लिखने नहीं आती, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते कम से कम समझ तो आता कि क्या लिखा है। एक्चुअली मीनिंग समझ में आ रहा है लेकिन इनको हिंदी लिखने नहीं आती, वो भी पता चल। हाँ इनको खुद को तो बहुत हिंदी आती है, बात कर रही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है समास। मैडम जी हिंदी पढ़ा रही है, चलिए देख लेते हैं इनकी हिंदी कितनी अच्छे से हिंदी पढ़ा लेते हैं, चलिए देखते हैं इनकी हिंदी क्या है इनकी हिंदी। बहुव्रीहि समास में ना तो उत्तर प्रधान, देख लिया आप लोगों ने कितने अच्छे से हिंदी पढ़ाया। बहुव्रीहि इस तरीके से लिखा जाता है क्या दोस्तों? बहुव्रीहि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है भाई, इस तरीके से लिखा जाता है बहुव्रीहि। इनका इंग्लिश का ज्ञान देखते हैं चलो। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हमारे हम ए लगाते। अरे स्पेलिंग तो सही से लिख लो यार कॉन्सोनेंट की। और ये मिस पायल कहती हैं कि ये टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है, टीचर बनने वाली है। आप लोग खुद ही देख सकते हो, अगर ये इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगी तो जो बच्चे इनसे पढ़ेंगे वो क्या सीखेंगे, कैसा सीखेंगे, किस तरीके से वो पढ़ेंगे, आप लोग खुद ही देख सकते हो और खुद ही समझ सकते हो, मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। तो मिस पायल जी मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, दौलत शोहरत नाम फेम ये किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन आप अपनी शोहरत अपने नाम और अपने फेम के लिए लोगों को टारगेट मत कीजिए। इस तरीके से लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर वीडियो मत बनाइए। अगर आपको रोस्टिंग ही करनी है तो अच्छे से रोस्टिंग कीजिए जैसे रोस्टिंग की जाती है, इस तरीके से लोगों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन और किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, बाय।